कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सीओ बांसगांव नितेश सिंह के नेतृत्व में रविवार को बेलीपार थाना परिसर की सफाई के साथ साथ थाना परिसर में बने पुलिस कार्यालय, पुलिस मेस बैरक सहित गाड़ियों को भी सैनिटाइज कराया गया। इस दौरान सीओ बांसगांव नितेश सिंह ने थाने में तैनात एसआई और पुलिस कर्मियों को सोशल डिस्टेंस बनाकर रहने, मास्क लगाने और अपने आसपास साफ सफाई रखने की नसीहत भी दी। इस दौरान थानाध्यक्ष बेलीपार संतोष कुमार सिंह, कांस्टेबल धर्मेंद्र यादव, जयराम यादव सहित थाने के अन्य स्टाफ मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ बांसगांव नितेश सिंह ने कहा, अपने आप इम्यूनिटी बढ़ाएगी ये कोविड के तहत अपने पुलिस के मनोबल को, उसमें एक अंग है, इसमें साफ सुथरा मनोबल चुस्त दुरुस्त रहे, गंदगी ना रहे, ये प्राथमिकता पे है। उसकी चेकिंग में आया था यहाँ थाना अध्यक्ष बेलीपार ने, अच्छा कार्य कर रखा है, इसमें अच्छी कार्रवाई है। इसमें सर आज कहाँ कहाँ पे ये सैनिटाइजर कराया गया है? ये सैनिटाइजर इन्होंने पूरी थाने की बिल्डिंग में कराया है, पीछे मेस के आसपास कराया है, बैरिक में कराया है जहाँ पे आरक्षी लोग रह रहे हैं, और संपूर्ण में कराया जाएगा। अभी विगत ये जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सैनिटाइजिंग की मशीन दी गई है, बच्चे को इसमें तैनात कर दिया गया है रोटेशन बेसिस पे, तो ये लोग कर रहे हैं, स्वयं अपने साफ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कोविड से बचाव के लिए तो जो ऊपर एक जन में जो जन सामान्य के हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है वही निर्देश हैं कि भाई मास्क लगाएं और चश्मा लगाएं अपने, और बाल को भी अपने ढकें और उनको भी प्रेरित करें। मास्क लगाना अब प्राथमिकता पे है, थोड़ा एक दो दिन से हमारी स्ट्रेटजी में ये और पुश करने को आया है कि इस अपने थाना क्षेत्र में या प्रदेश भर में सब में सबको मास्क लगाना थोड़ा कंपलसरी करा जाए, या डाटा लगाएं, कोई अंगोछा या गमछा बांधे, उस बात के लिए प्रेरित करें। शेष अन्य लोग जो प्रिकॉशन ले रहे हैं वो तो चलेंगी चलेंगी साथ में।